बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए मज़ेदार और डिलीशियस हुटी गुटी का शोरबा लेकर आई हूँ, और ये इतना आसान और इतना मज़ेदार बन जाएगा ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल में आपको मैं बनाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ उसकी रेसिपी। तो चलिए जी, मेरे किचन में इसको बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 किलो से ऊपर है ये हमारे पास हुडी गुडी, और यहाँ पर हमने ना सारी मिक वाली जो हड्डियाँ ना वो ले ली हैं, और आप इनको देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल गई हैं। बड़े की हैं यानी कि बीफ की हैं, ठीक है। बीफ़ बोन्स आपने ले लेनी है, और इस तरीके से उन पर जो नलियाँ वगैरह हैं और उनके साथ ही आपने लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर बोंग का गोश्त वगैरह भी डाल सकते हैं। और सिंपली हमने सिर्फ जो है ना ये हड्डियाँ ले ली हैं, हमने कोई इसके अंदर और गोश्त का नहीं हम डाल रहे हैं। आप चाहें तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो बस हमने ये जायके के लिए बनाई थी, और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन गई थी माशाल्लाह से। अच्छा, ये आपको नज़र आ रही होंगी अभी बहुत ज़्यादा गंदी है, तो इसको धोने का मैं ना बड़ा ही आसान तरीका बताऊँगी, चाइनीज़ ट्रिक बताऊँगी। चाइना वाले भी गोश्त को नहीं धोते हैं। आपने इस तरीके का कोई भी बर्तन ले लेना है, और बर्तन में डालने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को कर लेना है जी सब्सक्राइब, को कर देना है जी लाइक, और हाँ अपना कमेंट आपने ज़रूर करना है। तो यहाँ सारी की सारी हड्डियों को जो है वो बिना इसके अंदर शामिल कर देना है। और तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखिए सारे और बड़े बड़े हड्डे जो है ना वो ले लिए थे एक दो इसके अंदर, माशाल्लाह से ये बहुत अजीज़ लगते हैं। और इसका शोरबा वैसे भी बहुत अच्छा होता है, मौसम भी बदल रहा है, तो इसके हमने कहा कि इसका शोरबा जो है ना वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, इसीलिए हमने जो है वो इसका शोरबा जो है वो हमने बना लिया था। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपली हमने पानी को शामिल कर देना है, और जितने भी सारे इसके जर्म्स वगैरह ना वो हम क्या करेंगे, हमने इसको दिला लेना है सिर्फ और सिर्फ एक बॉयल, एक उबाल दिलाना है। और उस उबाल के अंदर जो है वो इसके ऊपर से देखिए झाग और ये सब कचरा जो है वो अलग हो जाएगा। फिर हमने बस इनमें से हड्डियों को अलग कर लेना है, और इस पानी को हमने फेंक देना है। ये हमने फेंक बस एक उबाल दिलाकर इस पानी को फेंकना है, इसको हमने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। ये इसका बहुत बेहतरीन वॉश जो प्रोसेस है, वॉशिंग प्रोसेस है, और इसके साथ जो है ना जो इसकी स्मेल होती है एक बड़े गोश्त की, या उसके अंदर जो एक स्मेल आती है मखसूस, तो वो भी इसमें से जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो बस हमने यहाँ पर जस्ट इसको जो है वो अलग स्ट्रेन कर लेना है, और पानी को हमने जस्ट जो है क्या कर देना है इसको हमने फेंक देना है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम इनको ठंडे पानी से अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो है वॉश कर लेंगे, और सिंपली इसके ऊपर से जो भी इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो गोश्त के जो इसकी जो अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद जो ये साफ़ भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो जी बस अब हमने इसको सिंपली जो है वो वॉश कर लिया है ठंडे पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ, टैप वाटर के साथ, और अब जो है हम इसको चढ़ा देंगे। इसके गलने का प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमने इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर के करीब जो है वो पानी को शामिल कर दिया, और उसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस डालूंगी। यहाँ गरम मसाले में एक मोटी इलायची ले ली है, और 2 स्टिक मैंने ले ली हैं दालचीनी की, और बीच में हमने इसके अंदर जो है वो शामिल कर दिया है काली मिर्चें, ठीक है बस, और लौंग कुछ हमने डाल देने। और यहाँ हमने ले लिया है 1 बड़ी प्याज, उसको हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है, और 1.5 टमाटर जो है वो मैं उसकी प्यूरी बना दूंगी, उसको भी मैं शामिल कर दूंगी। और हाँ जी, इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा मसाले जो है वो शामिल नहीं करेंगे, स्पाइसेस में आपको दिखाऊँगी बहुत कम। और अभी मैं इसके अंदर जो है वो बड़े 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट जो है वो शामिल कर दूंगी। मेरे पास यहाँ पे फ्रीज क्यूब्स में है, तो मैंने 2 क्यूब्स जो है वो लहसुन अदरक के शामिल कर दिए हैं। और इसके अंदर अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर, मैंने डाल दी है 1 टीस्पून के करीब, और जस्ट अभी हम लाल मिर्चें नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ हम डालेंगे सूखा धनिया 1.5 टेबल स्पून के करीब, ठीक है जी। और इसमें बस हम थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो भी शामिल कर देंगे, वो मैं डालना भूल गई थी और उसकी वीडियो शूट भी नहीं की मैंने। और यहाँ पर नमक जो है वो हम हसबे जायका डाल देंगे। बस ये हमारे जो मसाले हैं इनके अंदर ये पकेगा, और जैसे हमारा पानी जो है इसके अंदर जो खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए तकरीबन इसको पकते हुए जो है वो आधे घंटे से वो ऊपर हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो हाफ़ जो है वो खुश्क हो चुका है, सॉरी घंटे से तकरीबन हमने इसको ऊपर पकाया है। और अभी जो है वो तकरीबन 10-15 मिनट बाद ये मज़ीद भी जो है वो पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसी के अंदर जो है वो भुनाई कर लेंगे, ठीक है। ऑयल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है वो
इसकी मैरो है जिसकी वजह से ऑयल निकलता है। आपको पता है बीफ का अपना जो है वो थोड़ा बहुत इसका ऑयल निकलता है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर मज़ीद जो है तेल को शामिल नहीं करेंगे, जस्ट हम बहुत थोड़ा इसके अंदर जो है वो तेल शामिल करेंगे, ठीक है जी। और अभी देखिए पानी बिल्कुल जो है वो ड्राई हो चुका है, भुनाई की ये बिल्कुल स्टेज पर आ चुका है, तो अब हम इसकी कर लेंगे अच्छे तरीके से भुनाई। यहाँ पर ना इस पतीले में भी ना क्योंकि बड़ी बड़ी हड्डियाँ थी तो हिलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो कामयाब हो गए थे इसको हिलाने में। और हमने जिसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी, हमने बस जस्ट इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा हमने तेल डालना है, यानी कि तकरीबन 2 जो चम्मच होते हैं खाने वाले बड़े जिनसे सालन वगैरह है, वो 2 सालन के हम चम्मच इसके अंदर जो है वो घी के डालेंगे या ऑयल के, सॉरी हम डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देती हूँ, ये मैंने 1 डाला और बस 2 डाल देंगे हम, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं करना है, ये बहुत ही हैवी बन जाएगा। हमने इसको लाइट रखना है, जो हुड्डी गुड्डी का जो असल शोरबा बनता है ना वो इस तरीके से बनता है जी। तो अब हमने भुनाई के टाइम पर अब हमने लाल मिर्चों को शामिल करना है, आपने बिल्कुल एहतियात करना है, आपने पहले इसमें शामिल नहीं करना है। हम जब भी कोई बीफ बनाते हैं या मटन बनाते हैं पहले लाल मिर्चों को शामिल नहीं करते हैं और घी को भी नहीं शामिल करते, इस तरीके से जब भुनाई का टाइम आता है तो तभी शामिल करते हैं। तो जब तक मैं भुनाई कर रही हूँ तो आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने प्यारों के साथ इसको शेयर करना भी मत भूलिए और प्यारा सा कॉमेंट कर दिया करें, उससे जी हमारी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई। और जो मेरे प्यारे बहन भाई पूछ रहे थे कि मैं काफ़ी अरसे से कहाँ थी, मैं पूरा 1 महीना जो है वो बहुत सब बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा कोई वीडियो शूट करने का दिल ही नहीं करता था और बीमारी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे लिए बीमारी जो है वो बहुत ही अच्छी और खुशी की खबर साबित हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह से। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो उम्मीद लगाई है आप सब प्यारे बहन भाइयों से, दुआ की उम्मीद है कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे खैर आफियत से और कामयाब करे और अल्लाह ताला तमाम बे औलादों को नेक औलाद से नवाजे। तो यहाँ पर जो है मेरे प्यारे बहन भाई आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो भून लेना है, और अच्छे तरीके से भूनने के बाद जो है देखिए हम ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, हमारी इतनी अच्छे तरीके से भुनाई होनी चाहिए, बस आपने ये एक एहतियात करनी है। अच्छा जी अब हमने कर दिया है वीडियो को थोड़ा देखिए स्पीड में, हल्का हल्का पानी की छांक लगाते जाएंगे कि गुड़ पानी डाल के ताकि नीचे से लगे ना, और इनको जो है वो एहतियातन हम हिलाते रहेंगे, ठीक है जी। और बस फिर हमने इसको कर देना है जी, इसमें पानी डाल देंगे और फिर हम जी इसको दम पर रख देंगे। पानी डालते हुए कि वीडियो में बना नहीं पाई, मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर के करीब जो है वो पानी डाल दिया था, क्योंकि हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है ना हड्डियाँ भी इसके अंदर गल जाएंगी हमारी, और यही शोरबा जो है वो तकरीबन आधा रह जाएगा तो फिर हम उसको जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे, सेम पाए का जैसा प्रोसेस होता है ना वैसा ही। और ये बहुत ही ज़्यादा एक तो सेहत के लिए भी अच्छा है, हमने इसमें मसालों की क्वांटिटी को कम रखा है, आप चाहें तो मज़ीद कम रखें, क्योंकि हमने शोरबा जो है वो पतला चाहिए इसीलिए हमने जो है इसके अंदर जो है वो मसालों की क्वांटिटी को भी हमने कम रखा है। तो देखिए हमने इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे हमने बहुत स्लो आँच पर बनाया है, इसका जायका उसी वजह से आता है अगर आप इसको बहुत आहिस्ता आँच पर बनाएंगे। अगर आप इसको तेज़ आँच पर बनाएंगे और शोरबा आपने जल्दी जल्दी सुखाना है तो उसका कोई जायका नहीं आएगा। देखिए हमारा जो इसके अंदर जो हड्डियाँ हैं नलियाँ हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसको कर रहे हैं जी डिश आउट। और हमने इसको 5 से 6 घंटे मुसलसल बिल्कुल दम की आँच पर पकाया, हमने इसको बिल्कुल छोड़ दिया है, ये नहीं किया कि हमने बस जी जल्दी से उतार कर जो है हमें वो टेंशन बन गई, नहीं, आपने इसको तसल्ली से बनाना है, तभी तो इसी के अंदर जायका आएगा और इसके फ़ायदे भी आपको तभी ही मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ये तैयार हो चुका है अल्लाह के हुक्म से, और लास्ट में जो है ना वो अम्मी ने इसके अंदर धनिया जो है वो हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था, और वाकई धनिए का जायका भी इसके अंदर बहुत अच्छा आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के हुक्म से जो है वो हमारे दस्तरखान पर अल्लाह ताला ने ये रिज़्क़ की नेमत जो है वो हमें अता की है, और बहुत ही शानदार ये रेसिपी जो है वो तैयार हुई है, और बहुत ईजीएस्ट वे में, यानी कि इसमें कोई लंबा चौड़ा झंझट नहीं है, बस आपने सब कुछ चढ़ा कर बाद में उसकी भुनाई करके डन आपने पानी लगा कर इसको छोड़ देना है 5 से 6 घंटे के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये रात के खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था, और इसको आप नान के साथ आप
चपाती के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हो, और आप इसकी यखनी को ऐसे भी सिंपल जो है वो आप पी सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत मसाले नहीं रखे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। वैसे भी आजकल का मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, तो ऐसे यखनी वाले खाने आपको ज़रूर खाने चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छे। और देखिए कि मिक भी काफ़ी हड्डियों से निकल चुकी है क्योंकि हमने बहुत इसको गला दिया। तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपना और अपने पैरों के साथ जो इसको शेयर कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, दुआ में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।